एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मीनापुर थाना क्षेत्र के पन्नापुर ओपी अंतर्गत सिवराहा में देर शाम एक सुमो अनियंत्रित होकर होटल में घुस गई। उस समय काफी लोग होटल में चाय नाश्ता कर रहे थे। सुमो ने करीब 10 लोगों को रौंद दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में घायलों को होटल से निकालकर स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए सभी को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य 5 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मृतक और घायलों का पहचान किया जा रहा है। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया, जमकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर काटी, मीनापुर और पन्नापुर पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ समझने को तैयार नहीं थी। पुलिस के साथ भी जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद काफी संख्या में अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची। आक्रोशितों को उचित कार्रवाई और मुआवजा का आश्वासन देकर शांत कराया गया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुमो मोतिहारी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी। अचानक से चालक का स्टीयरिंग पर से संतुलन बिगड़ा और सुमो होटल में जा घुसी। अंदर बैठे लोगों को न समझने का समय मिला और न संभलने के लिए मौका। लोगों को रोंगते हुए सुमो रुक गई। कई लोग इसके भीतर फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निकालकर इलाज के लिए भेजा। घायलों में 3 की पहचान हुई थी, जिसमें पखनाहा के कृष्णा दास, अकुराहा के नागेश पंडित और पिपराही के मोहम्मद निशार के रूप में हुई है। इन्हें भी एसएमसीएच भेजा गया था। दरअसल जिस वाहन से हादसा हुआ उसके आगे छोटा पुलिस वाला ब्लू और लाल रंग का स्टिकर चिपका हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें सिर्फ चालक था, लेकिन वह कहाँ है इसका किसी को पता नहीं। घटना के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि चालक नशे की हालत में था, इसी कारण हादसा हुआ। कितना लोग घायल है? लगभग घायल लमसम 7-8 लोग घायल है। अच्छा, मौत कितना हुआ? क्या मौत हुआ? हमको सूचना मिला जो 3 आदमी थे, स्पॉट डेट हो गए। 3 आदमी? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभु राम। कहाँ मकान हुआ घर? मेरा कांटी घर हुआ। हम तो ये मेरा बहन है, हम आज बाहर से आए हैं, घर पर जैसे ही पहुँचे हैं मेरा एक फोन गया है कि आपका बहन का एक्सीडेंट हो गया। हम वहाँ से बाइक से आए बहन के ने, तो सुने हैं जो मेरा बहन डेट कर गई। जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ पर मैं गए हुए थे, वहाँ पर गए थे एक होटल और ये सब जो है 2-3 होटल जो है सो पूरा गाड़ी जो है सो टूर भांग करके मेरा बहन उस चक्का के अंदर में फंसा हुआ था। वहाँ से पुलिस प्रशासन मेरे बहन को निकाल कर वहाँ से लेकर चले आए। हम उसके बाद में मेडिकल आए, बस यही। स्कॉर्पियो था, इस पर स्कॉर्पियो के चक्का में फंस गई हुई थी, पुलिस प्रशासन ने निकाला। वहाँ जो है सो कभी नहीं जाती थी, आज गई हुई थी वहाँ, लड़का उड़का नहीं था घर पर, गई थी कुछ साग सब्जी में अपने मार्केट लेने के लिए शाम के लिए, वैसे ही घर में ले जाएंगे खरीद कर। जानकारी तो मिला है हम लोगों का, जो गाड़ी बाइक में मारा है, बहुत स्पीड में गाड़ी था, बाइक में मारा, बाइक वाला मतलब कि 4-5 गोरे घायल किया, और वह गाड़ी जो है सीधे मतलब कि होटल में घुस गया और पार करके चला गया मकान में। गाड़ी था, किस तरह का गाड़ी? गाड़ी मतलब प्राइवेट गाड़ी है, जिला प्रशासन लिखा हुआ है, प्रशासन का गाड़ी है, पदाधिकारी का ही गाड़ी है। घायल उसमें बहुत गोरे है, बहुत गोरे है घायल। मेरा भाई है नागेंद्र पंडित। 28 पे पीछे से टाटा सुमो वाली गाड़ी एक मोटरसाइकिल में मारे हैं धक्का। इसके बाद अनियंत्रित होकर टाटा सुमो जो है ना रोड पे खड़े लोगों को रौंदते हुए जाके दुकान में घुस गए, जिससे स्पॉट पर 3 आदमी की मृत्यु हुई है, 5 आदमी घायल हैं, जिनका इलाज इसके एमसीएच में चल रहा है। सर, मौत की संख्या बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है? हो सकता है संभावना हो, घायल है। घायलों की संख्या कुछ है? घायलों की संख्या अभी तक जो है सो 5 बताई गई है। और स्थिति क्या है सर? स्थिति अभी ठीक है, वो लोग इलाजरत हैं एसकेएमसीएच में, हमारे पुलिस पदाधिकारी लोग वहाँ हैं।
दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी, दोनों घटना दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी टाटा सुमो है, उसको हम लोग थाने पे ले जा रहे हैं। और क्या कुछ सर कार्रवाई होगी आगे इसमें? कार्रवाई जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो लोगों को मिलेगा। मृतक की पहचान? कुछ मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, स्थानीय है, अगल बगल के लोग हैं। हाँ, मृतक की पहचान वहाँ SKMCH में की जा रही है।